सर मोतियाबिंद का क्या लक्षण है और क्या उपाय है सर, इससे नुकसान क्या है? मोतियाबिंद जो है हमारे देश का जो है अंधापन का एक बहुत अहम पार्ट है, और इसमें दो बातें हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का, सबसे पहले बताएंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है। एक ड्यू टू एज की वजह से या अभी तो ऐसा नहीं कहा जाए, कुछ ऐसे केसेज में देखा जाता है कि कम उम्र में भी लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है, लेकिन मोतियाबिंद का जो लक्षण है वो है कि व्यक्ति को दूर का वस्तु धुंधला दिखाई देने लगता है और उसके रिस्पेक्ट में नजदीक का वस्तु पढ़ने में मरीज ये कंप्लेन बताया, देखिए हम छोटा वस्तु बिना चश्मा का अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है, अगर व्यक्ति को दूर का वस्तु धुंधला दिखाई देने लगे तो उनको वो उनका पावर -4, -5, -6 मतलब मायोपिक हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में वो नजदीक का वस्तु चश्मा खोल के ही पढ़ने लगते हैं। इसमें होता है कि ये पेनलेस होता है, इसमें कोई भी तरह का दर्द नहीं होता है और धीरे धीरे दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देने लगती है। इसका सबसे अच्छा बात यह है कि अगर मोतियाबिंद के वजह से किसी भी व्यक्ति की रोशनी चली गई तो ऑपरेशन कराने के बाद उसकी पुनः उतनी रोशनी वापस आ जाती थी जितना कि पहले दिखता है। तो इसमें ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि सही समय पे अगर मोतियाबिंद हुआ है और हमें पता है तो हमको तुरंत उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन करने का सबसे अभी अच्छा तरीका SICS है, फैको है, जिसमें कि लेंस लगा दिया जाता है और व्यक्ति को पुनः कंप्लीट रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन अगर कोई कैटरेक्ट पहले तो इमेच्योर होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर हाइपर मैच्योर होता है, अगर और किसी भी व्यक्ति का मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक गया और इसके बावजूद भी वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है तो उसकी रोशनी तो आई थिंक कि वो नथिंग। अगर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है तो आप सोच सकते हैं कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई देने लगेगा, और बाद में फिर उसको सेकेंडरी ग्लूकोमा या ग्लूकोमा होने का चांसेस रहता है, और फिर बाद में उतनी रोशनी वापस नहीं आ सकती है जितना कि उसे आना चाहिए। तो ये एक और भारत सरकार के द्वारा जो एक कार्यक्रम राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण समिति के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जाता है, और हमारे हॉस्पिटल में भी मोतियाबिंद का निःशुल्क इलाज होता है, और आई थिंक कि देश के हर जिले में और हर राज्य में भारत सरकार का एक प्रोग्राम चलता है राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण समिति के अंतर्गत, हर जिले में मतलब कि इसका व्यवस्था है, सदर अस्पताल में या NGO वगैरह बहुत ज्यादा कहीं भी ऑपरेशन हो जाता है हमारे यहाँ भी।